तो अभी हम लोग कबाड़ ऑप्शन के ऑफिस के अंदर आए हुए हैं। यहाँ पे मैंने इनको ब्रीफिंग दी है पहले इन दोनों को कि वहाँ जाके तुम लोगों ने क्या क्या करना है, तो उसके बाद ये हमारे पीछे सारा जो है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 3000 कार्स हैं, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं अंदर और जाके देखते हैं कार्स। ये देखें कहाँ से ये वहाँ से गाड़ियाँ स्टार्ट होती हैं और उधर ये सारी गाड़ियाँ सब न्यू खड़ी हैं, ब्रांड न्यू गाड़ियाँ सारी, मगर समंदर आ गया गाड़ियों का। ये जी ऑक्शन, यहाँ पे लैम्बोर्गिनी वगैरह और हाई एंड कार्स हैं, उसके बाद कुछ क्रैश कार हैं, कोई सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, दोबारा मैं कोपाड़ ऑक्शन में ही हूँ और यहाँ पे मस्टैंग, मजराटी हो गई और उसके बाद जगवार हो गई, जीप हो गई, एसयूवी हो गई, तो बहुत सारी गाड़ियाँ मैं आपको दिखाता हूँ और जो इसका ख़रीदने का तरीका है वो भी मैं आपको बताऊँगा। आप इंडिया और पाकिस्तान से बैठ के ये गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, तो वहाँ पर ये आपको गाड़ियाँ डिलीवर हो जाएंगी आपके उधर कंट्री में। तो आगे जो है ना आप लोगों को जो भी लेने होगी उसमें मैं आगे डिटेल दे देता हूँ सारी, तो स्टे ट्यून, मज़ा आने वाला। मैं कुछ आपको गाड़ियाँ दिखाता हूँ और आप लोग ये ऑनलाइन खरीद सकते हैं गाड़ियाँ, तो उसकी भी मैं डिटेल दे दूंगा। फायदा नहीं है, वाश होने वाली है, गंदी बहुत, कोई बात नहीं यार, हमें गंदी ही चाहिए। ये है जी इसके अंदर से इंजन वगैरह मस्टैंग का, ये हमने अभी खुलवाई है गाड़ी आगे से आप लोगों को दिखाने के लिए कि अंदर से बिल्कुल ठीक है। और ये है जी ब्लैक मस्टैंग, उसके बाद ये सिल्वर मस्टैंग है, रोल्स रॉयस, सारी गाड़ियाँ आपको दिखाते हैं। और ये मस्टैंग जो है ये कन्वर्टेबल है, इसका मैं इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ। ये एक्सीडेंट फ्री है, कहीं से एक्सीडेंट नहीं है और इंटीरियर वगैरह भी इसका बिल्कुल ठीक है, कहीं से एयरबैग पॉप कुछ भी नहीं है। तो ये डस्ट थोड़ी सी पड़ी हुई है, तो ये गाड़ियाँ आप लोग खरीद सकते हैं ऑक्शन से। इसको बाय करने की डिटेल मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ ही एक मजराटी खड़ी है, ये भी एक्सीडेंट नहीं है। ये मस्टैंग खड़ी है, ये भी एक्सीडेंट नहीं है, ये भी अंदर से देख लेते हैं। हाँ ये भी ओपन है और बिल्कुल ठीक लग रही है, आगे से देखते हैं शायद कोई डैमेज तो नहीं है, एक्सीडेंट तो नहीं कहीं से, नहीं आगे से ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एक खड़ी है क्लासिक रोल्स रॉयस, क्या बात है। तो आप लोग क्लासिक रोल्स रॉयस भी यहाँ से ख़रीद सकते हैं, इसको खोल के अंदर से चेक कर लेते हैं। रोल्स रॉयस अच्छा, ये जो वुड इंटीरियर है इसका स्टार्ट से ही आ रहा है। उसके बाद ये पीछे से देख लें तो इसकी जो स्टाइल है अभी तक ऐसी पीछे को आ रहा है, और इसके बाद फ्लैग बने हुए हैं जर्मनी का और अमेरिका का। उसके बाद ये मजराटी है और ये मजराटी का शीशा ऑलरेडी ओपन है, तो इसके अंदर बहुत सारी डस्ट गई होगी, एयरबैग इसका खुला हुआ है, तो डेफिनेटली ये सामने से एक्सीडेंट होगी। तो देखते हैं इसका, बिल्कुल ये सामने से एक्सीडेंट है। और ये गाड़ी तो यहाँ से पहचान नहीं हो रही कौन सी है, पीछे से देखते हैं। जैगवार है, जैगवार, तो जी ये जैगवार है, ये भी एक्सीडेंट है। तो अंदर से देखते हैं इसको, इसका भी ये खोलने का बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, जैगवार। अच्छा इसका तो बम्पर वगैरह अंदर पड़े हुए हैं सारे। ये मेरे पीछे निसान की 370Z खड़ी है गाड़ी, और ये गाड़ी भी एक्सीडेंट है। वैसे मैंने कुछ नेट पे देखी थी ये गाड़ियाँ, तो ये तकरीबन 10,000 की रेंज से 15,000 तिरम की रेंज तक जो है ना वो मिल रही थी वहाँ पे। तो जो लोग सेल कर रहे थे वो कह रहे थे कि हमने इतने की सेल करनी है, तो ये गाड़ी जो है और भी काफ़ी ज़्यादा आपको सस्ती मिलेगी, तो आप इनकी वेब पर चेक कर सकते हैं। आप मैंने कहा था जी 350Z, और अंदर से इसका इंटीरियर देख लेते हैं। इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त है इसका, ऑरेंज कलर का और ब्लैक कलर का इंटीरियर है। और उसके बाद ये एक्सीडेंट है फ्रंट से, यहाँ से एक्सीडेंट है। तो आप जब भी वेब पे गाड़ियाँ वगैरह खरीदेंगे इसको आपकी पूरी डिटेल भी मिलेगी और एक्सीडेंट भी पता चलेगा कहाँ से आया। एक पीछे से वो एक्सीडेंट और ये आगे से एक्सीडेंट है। उसके बाद ये मजराटी है, उसके बाद यहाँ पर ये हमर है, लैंड क्रूज़र है, रेंज रोवर है। अच्छा अक्सर लोग ऑडी का काफ़ी ज़्यादा मेरे से पूछते हैं कि ऑडी है यहाँ पे, ऑडी हमने ख़रीदनी है, तो ये ऑडी है और ये आपको डिलीवर भी हो सकती है पाकिस्तान इंडिया में। तो मैं आपको ऑडीज़ भी दिखा देता हूँ और भी गाड़ियाँ, एसयूवी भी कुछ दिखाता हूँ। गाइस तो ये है जी ऑडी A6 2.0T, ऑडी का लोगो ही काफ़ी ज़बरदस्त लगता है, इसकी लाइट्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं ऑडी की। और ये अंदर से देख लेते हैं, अंदर से वो एयरबैग इसका खुला हुआ है, ये एयरबैग खुला हुआ है, और उसके अलावा काफ़ी सही लग रही है। और फ्रंट से देख लो, ओहो काफ़ी आवाज़ आ रही है बंद करते हुए। तो फ्रंट से ही एक्सीडेंट है, यहाँ से ये चीज़ की सारी लगी हुई एक्सीडेंट, काफ़ी बैडली डैमेज लग रही है अभी फ्रंट से।
लेकिन फिर भी आपके सामने है। उसके अलावा और भी हैं करोला, इनमें से सारी गाड़ियाँ डैमेज नहीं है, कुछ बिल्कुल ठीक भी खड़ी हैं, कुछ डैमेज भी खड़ी हैं। और ये खड़ी है जो टीटी है ऑडी की, उसके बाद ये रेंज रोवर्स खड़ी हैं दो। ये रेंज रोवर आगे से बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से एक्सीडेंट है, खोल के देखते हैं अंदर से, एयरबैग वगैरह खुले हुए हैं। ये वाली देखते हैं रेंज रोवर, इसका क्या चल रहा है सिस्टम। तो ये फ्रंट से एक्सीडेंट नहीं है, साइड से भी एक्सीडेंट नहीं है, बैक से भी एक्सीडेंट नहीं है, और इस साइड से भी एक्सीडेंट नहीं है। तो अंदर से खोल के देख लेते हैं उसको, अंदर से भी बिल्कुल ठीक है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट खड़ी है। तो जीप रैंगलर के बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो ये यहाँ पे खड़ी है, ये भी आपको मिल सकती है, लेकिन ये फ्रंट से एक्सीडेंट है। उसके अलावा साइड से बिल्कुल ठीक है, इस साइड से और अंदर से। इंटीरियर मैं इसका आपको दिखा देता हूँ, इंटीरियर में क्या चीज़ है। इंटीरियर भी बहुत ज़बरदस्त है, कहीं से कोई एक्सीडेंट नहीं लग रहा, कोई यानी कि कोई एयर बैग वगैरह पॉप नहीं है इसके अंदर, जीप रैंगलर। और उसके बाद पीछे से भी ठीक है, और उसके बाद इस साइड से देखते हैं। तो ये गाड़ी आपको काफ़ी चीप प्राइस में मिलेंगी भाई, तो उसके लिए आप लोग जो है ना इनकी वेब चेक कर लेना। आगे से टायर जो है ना उसके, बस आपने वो फ्रंट से देख लिया क्या इसका एक्सीडेंट है क्या डैमेज है, उसके अलावा बिल्कुल ठीक है ये। ज़रा इस गाड़ी के बारे में बताओ, ऑडी कौन सी ऑडी है? ये बेसिकली ऑडी A7 है। ठीक है, तो उसके बाद ये इसका स्टाइल लग रहा है, इसका जो स्पॉइलर ये खुला हुआ है, ये स्पॉइलर इसका स्पोर्ट्स स्पॉइलर है। क्या बात है, स्पोर्ट्स मोड पे होती है तो इसकी ये स्पॉइलर इसका, यानी कि स्पोर्ट्स मोड पे ही इसका एक्सीडेंट कर दिया गया है। एयर बैग इसके खुले हुए हैं भाई, आपने ये चीज इसकी देखी होगी, बेसिकली सब गाड़ियों का ये आगे वाले मिरर वो इस तरह के होते हैं, यानी कि इसके ऊपर कोई वो नहीं होती, इसकी स्पोर्ट जो होती है, स्पोर्ट नहीं होती। और बेसिकली बाकी गाड़ियों की ये पीछे से ये स्पोर्ट होती है, लेकिन इसके पीछे से भी नहीं, इसके पीछे से भी नहीं है। और ये जो आगे से एक्सीडेंट है, ये भी बहुत जबरदस्त किस्म से एक्सीडेंट है, स्पोर्ट मोड पे किसी ने कंट्रोल नहीं संभाला हुआ, बैक खुल गया। वैसे इस गाड़ी का जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं अभी किसने किस तरह इसका, ये कोई आपके जैसा ड्राइवर होगा ना। और अगर यहाँ पे 3000 गाड़ियाँ 3000 कार्स हैं यहाँ पे, तो सब गाड़ियों का मैं वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन कुछ गाड़ियों को मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप लोगों ने कुछ खरीदनी हो, कुछ दोबारा भी शायद मैं कभी आप लोगों की डिमांड पे यहाँ पे चक्कर लगाऊँ, आपको कोई गाड़ियाँ दिखाऊँ जो कॉमेंट्स में आएंगी, कौन कौन सी गाड़ियाँ आपने देखनी है, फिर दोबारा भी शायद मैं आऊँ यहाँ पे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, वो देखें, वो ऑरेंज मस्टैंग है, उसके अलावा भी और मस्टैंग्स खड़ी हैं, और कैमरी भी है हर टाइप की। यार असल में ना मेरी बैटरी लो हो गई है मेरी खुद की, गर्मी बहुत है और बिल्कुल पावर ख़त्म हो गई है। उफ़, देखते हैं, BMW वगैरह भी हैं यहाँ पे। ये है जी एक ब्लैक कलर की Porsche खड़ी है, और ये खोल के देख लेते हैं अंदर से, इसका इंटीरियर तो खुला हुआ है, और ये है जी इसकी कंडीशन अंदर से, आप देख सकते हैं। ये भी एक्सीडेंट नहीं है, स्पाइडर है ये, इसकी जो इसकी छत जो है वो खुल जाती है। ये जो मस्टैंग है, ये आपको अगर सही कंडीशन में बाहर से ख़रीदनी है तो ऑलमोस्ट आपको 12,000-15,000 या उससे कम, कोई 7,000-8,000 की भी मिल जाती हैं ये गाड़ियाँ। वो डिपेंड करता है आप किस तरह बाइकिंग करके लेते हो। तो ये काफ़ी बैडली डैमेज है ये, और ये तो टायर उसका बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, यहाँ से बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से लगी हुई है। और उसके साथ ही ये खड़ी है एक और सुपर चार्ज मस्टैंग GT, ऑरेंज कलर है। और इसके बाद इसको अंदर से देख लेते हैं, इंटीरियर इसका कैसा है, लॉक है और एक्सीडेंट है आगे से, बहुत जालिम तरीके से मारी गई है भाई, ये तो बहुत जुल्म किया गया इस गाड़ी के ऊपर। अंदर से आप देख सकते हैं इंजन की कंडीशन क्या है इसके, ये है जी मस्टैंग जी वैगन, ये बहुत कमाल लग रही है और बिल्कुल न्यू कंडीशन की लग रही है, पता नहीं एक्सीडेंट है कि नहीं। ओए क्या कर रहे हो, क्या किया तुम लोगों ने, पकड़ लिया? कुछ भी नहीं किया, हमने हैंड ब्रेक नीचे की है। हाँ, हमने एक्चुअली ये चलाने की कोशिश कर रहा है वो हैंड ब्रेक वगैरह, ये देखते हैं, ये तो नहीं एक्सीडेंट वगैरह नहीं है बिल्कुल, ये बहुत अच्छी कंडीशन में खड़ी है यार। यार ये कलर भी ब्लैक है, फिर भी जो है ना जो गाड़ी है ये एक्सीडेंटल नहीं है, यूज्ड में, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली यूज्ड और एक्सीडेंटल का दोनों होती हैं। सही है। और ये जो है यूज्ड में है, और ये यूज्ड में इतनी न्यू है, तो ये न्यू में कैसे न्यू होगी। AMG मर्सिडीज ले ली है वीडियो बनाने के लिए। मोहसिन तू आगे आ जा। नहीं तो आगे यार, ड्राइविंग सीट नहीं, जो बॉस होते हैं वो हमेशा पीछे बैठते हैं। चलो जी, चलो अभी बनी स्टार्ट करो। ना इसको ना खेचो, अपने खेचो। ये जी इसका गियर कैसा है जी, बताओ बनी। इसका ये गियर है बेसिकली, ये ऑटो है बिल्कुल, ठीक है। और इसको हम आगे करेंगे तो ये रिवर्स है, पीछे करेंगे
तो ये ड्राइव पे आ जाएगा। अच्छा तुम रिवर्स कर सकते हो। हाँ, और ये पीछे कोई ना कोई जानवर भी हम लोग कैद कर सकते हैं, इसलिए जाली लगी हुई है। और अगर यहाँ पे एक और ये मस्टैंग खड़ी है, इसका तो मुंह टूटा हुआ है किसी ने, जिस तरह मुंह इसका तोड़ा हुआ ना मार के। इस साइड से तो ऐसे है और इस साइड से भी ये ऐसी है। ये क्या हुआ है? उस साइड से भी, उस साइड से भी, लगता है फंस गई है किसी दो गाड़ियों के दरमियान में। रेस करते हुए शायद फंस गया हो। नहीं ये नहीं खुल सकती भाई, आवाज़ें आ रही है अजीब अजीब सी, लेकिन खुलेगी नहीं। पीछे से ठीक है और ये भी कन्वर्टेबल है और एक एयर बैग भी इसके खुले हुए हैं। ये अंदर से इसके एयर बैग वगैरह खुले हुए हैं। वैगन ब्लैक थी, व्हाइट हो गई है। ये लोग अभी एक चक्कर लगा के आए हैं और उन्होंने क्या आश्चर्य कर दिया। क्या किया तुम लोगों ने इसका? यहाँ पे बैठा था ना ये, ठीक है, इसकी आत्मा है इनकी। ओए इंजन तो बिल्कुल ठीक खड़ा हुआ है, मेहरान के अंदर लगाएं कैसे भागेगी वो। इंजन भाग जाएगा, मेहरान वहीं पे रह जाएगी। वैसे है इतनी पावरफुली। उसके बाद यार वो भी खड़ी है जी वैगन ब्लैक सेम, लेकिन ये काफी अच्छी कंडीशन में, न्यू कंडीशन में खड़ी लग रही है। और ये भी मर्सिडीज भाई, इसकी आंख निकली हुई है, कहानी है बाबा। ये गाड़ी कहानी है। तो ये है डॉज चार्जर, जिसके बारे में बनी आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं बताएगा। नहीं ये बेसिकली डॉज चार्जर है, ठीक है। ये थोड़ी मॉडिफाइड की भी लग रही है, थोड़ी सी मॉडिफाई तो हुई है लेकिन इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये उस नहीं, जो बंदा चला रहा है उसने ऐसी मॉडिफाई की है, ऐसी मॉडिफाई की है कि उसी हिसाब से इसको खोल दिया। देखो भाई फिलहाल तो इसका एयर बैग वगैरह तो नहीं खुला भाई। एयर बैग इसलिए नहीं खुला क्योंकि ये फ्रंट से नहीं लगी, ये बेसिकली होगी थी उल्टी, ठीक हो गया। होने की वजह से यहाँ से इसकी स्क्रीन और ऊपर से छत, यानी कि एक बार ऐसे उल्टी होगी फिर सीधी हो गई होगी, या सीधी नहीं भी हुई, बाद में सीधी की गई। अच्छा बाद में सीधी गई, सही होगा। हो गया देखो, ये मर्सिडीज देखो भाई, इसके तो सारी आंदरे आंदरे बाहर निकली हुई हैं, ऊपर से बिल्कुल गायब हुई है। ये गाड़ी है न्यू ही कोई, ये देखें इसके, ये रेडिएटर वगैरह भी न्यू है लेकिन इसकी भी जिंद रुली हुई है। उसके अलावा और भी बहुत सारी गाड़ियाँ। तो ये एक पोर्श है, वाइट कलर की, काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है, जो कि आगे से बिल्कुल ज़बरदस्त नहीं लग रही है क्योंकि आगे से बहुत गंदा हुआ है इसका एक्सीडेंट। हो सकता है अंदर से ठीक हो क्योंकि यहाँ से नज़र आ रहा है कि इसका बम्पर और ऊपर से शार्टियाँ टूटी हुई है और इसका शीशा भी टूटा हुआ है, एयरबैग भी इसके खुले हुए हैं। ओहो ना बाबा, इस साइड से तो नहीं खुलती, बैग खोल के देखते हैं। वाह अंदर से वो गर्म, अंदर गर्मी, इसके मर गए। ये है जी पीछे से पोर्श। तो ये BMW है खड़ी है, BMW और भी काफ़ी खड़ी थी, मैंने कहा चलो कोई BMW भी ऐड कर दी जाए अंदर। इसका भी एयर बैग तो खुला हुआ है लेकिन ये भी बहुत ज़बरदस्त और प्यारी कंडीशन में है, यानी कि कंडीशन से मुराद ये है कि अच्छी गाड़ी लग रही है, ये नहीं कि कंडीशन वाइज, यानी कि एक्सीडेंट हुई है उस हिसाब से मैं अच्छी बात नहीं कर रहा। और इस साइड से भी इसकी आँख वाँख निकली हुई है, अच्छे से निकली हुई है, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है इसका। BMW उसके साथ ये रेंज रोवर खड़ी है, उसके साथ एक और पोर्श खड़ी है, ये मस्टैंग है, उसके बाद ये ऑडी है, किधर गई, उसके बाद ये ऑडी है, ये है वो है, ये है जी पोर्श, उसके बाद मर्सिडीज, और उसके बाद ये है जी डॉज चैलेंजर। ये सब गाड़ियां तो आपने देख ली, लेकिन सबसे ज़बरदस्त गाड़ी तो आपको दिखाता हूँ मैं, टन टन BMW। ये भी ऑप्शन में आई हुई है भाई, ये भी ले सकते हो आप लोग, ले लो। और गाइस तो अब हम बात कर लेते हैं कि आप ये गाड़ियाँ खरीद कैसे सकते हैं। तो खरीदने के लिए इनकी ऑनलाइन एक वेबसाइट है जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, यहाँ पे भी मेंशन कर दूंगा, कोपार्ट की वेबसाइट है, ठीक है। तो ये मंडे को जो है क्रैश्ड कार की ऑक्शन होती है, 5 PM से स्टार्ट होती है वो ऑक्शन, तो आप लोग ऑनलाइन बिड कर सकते हैं। और ऑनलाइन गाड़ी खरीदने के बाद ये आप लोगों को इंडिया या पाकिस्तान या किसी और कंट्री वर्ल्ड वाइड ये जो है इसकी डिलीवरी देंगे पोर्ट के ऊपर, उसके बाद वहां से क्लियरिंग करवाना, कुछ भी करवाना, वो आप लोगों की खुद की जिम्मेदारी है। लेकिन आप ऑनलाइन खरीद के, ऑनलाइन पैसे पे करके, सब कुछ ऑनलाइन करके गाड़ी अपने पोर्ट के ऊपर ले सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने बिल्कुल फ्रेश गाड़ियां खरीदनी है जो एक्सीडेंट नहीं है या हाई एंड कार्स हैं जो भी है, वो ट्यूजडे को होती है और ट्यूजडे को मेरे ख्याल से वो 7 PM पे स्टार्ट होती है। तो मतलब आप लोग ऑनलाइन जो है ना अब ये ऑक्शन पे मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिड लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा इनके वेबसाइट पे।
तो उसका जो प्रोसीजर है वो एडी भाई बताएंगे। एडी भाई बताएं जरा। यार बहुत सिंपल से रजिस्ट्रेशन है इनकी, पर एनएम कुछ चार्जेस लेते हैं और जब आप रजिस्टर्ड करें तो तकरीबन 2000 धर्म का डिपॉजिट लेते हैं। बहुत ज्यादा पूछते थे कि हम लोग इंडिया से बैठ के ये गाड़ियां खरीद सकते हैं, पाकिस्तान से बैठ के खरीद सकते हैं, फॉर श्योर आप खरीद सकते हैं, क्या आप हमें यहाँ सेंड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी आपको सर्विस ये दे रहे हैं और इनकी वर्ल्ड वाइड शिपिंग है, वर्ल्ड वाइड शिपिंग है। उसके अलावा किसी और कंट्री में आपने लेनी है, अमेरिका में कहीं और, तो ये आपके डोर स्टेप पे देंगे। तो बहुत जबरदस्त सर्विस है इनकी। तो जी इसका इंटीरियर ऑडी का, ये रेड ऑडी है, बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन ये हुई है पीछे से एक्सीडेंट, किसी ने इसको पीछे से ठोका है जोर से और ये फिर आगे जाके भी लगी होगी जोर से। आगे से इतनी वो नहीं हुई, एक्सीडेंट नहीं है, आगे से यहाँ से लगी हुई है। RS7 है ये ऑडी, काफ़ी प्यारी लग रही है। गाइस तो मैं सारी गाड़ियों तो नहीं कवर कर सकता, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, आप लोग वेबसाइट वगैरह पे चेक कर लेना या फिर दोबारा कभी चक्कर लगेगा तो आपको मैं वीडियो बना के दिखा दूंगा दोबारा और भी गाड़ियों की। फिलहाल के लिए इतना ही, थक गया हूँ तो इतनी मेहनत की है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, फेसबुक को लाइक कर दो, बस इतनी सी डिमांड है मेरी छोटी सी, पूरी कर दोगे तो मेहरबानी, नहीं करोगे तो यार कर ही दो, क्या जाएगा तुम्हारा, फ्री है सब कुछ सब्सक्राइब वगैरह। तो स्टे ट्यून, बहुत ज़्यादा और भी कमाल की वीडियोस आएंगी आगे।